Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Welcome students, this is Nitin Sharma और आज हम start करने वाले अपना new topic that is inverse variation. हम complete कर चुके हैं अपना direct variation, okay? So what is inverse variation? पहले हम डायरेक्ट वेरिएशन में क्या था उससे रिकॉल कर लेते हैं. किसी एक क्वांटिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने से किसी दूसरी क्वांटिटी में भी क्या हो, इंक्रीज या डिक्रीज हो, तो हम क्या बोलते थे कि वो क्वांटिटीज किसमें है, डायरेक्ट वेरिएशन में, ओके. और उन दो क्वांटिटीज को क्या बोला जाता है, दे आर डायरेक्टली प्रपोर्शनल. इसी तरह हम इनवर्स वेरिएशन देखते हैं, इसमें क्या चेंजेस है. If two quantities are linked in such a way that an increase in one quantity causes a corresponding decrease in the other, यानी किसी एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से किसी दूसरी क्वांटिटी में क्या हो, डिक्रीज हो. डायरेक्ट वेरिएशन में क्या था, किसी एक के इंक्रीज होने से दूसरा भी क्या होता था, इंक्रीज होता. लेकिन इनवर्स वेरिएशन में क्या है, किसी एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से किसी दूसरी क्वांटिटी में क्या होगा, डिक्रीज होगा. और वाइस वर्सा, यानी कि कोई एक क्वांटिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी. देन सच अ वेरिएशन इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन, और ऐसे वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स वेरिएशन. क्लियर. हमें सिर्फ इसमें ये नोट करना है कि अगर कोई एक क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है तो करस्पॉन्ड हमें देखना है कि क्या दूसरी क्वांटिटी में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तब हम उसे क्या बोलेंगे, इनवर्स वेरिएशन. एंड दीज टू क्वांटिटीज आर कॉल्ड इन डायरेक्ट, सॉरी, इनवर्स प्रपोर्शन. किसमें बोलेंगे हम, इनवर्स प्रपोर्शन. इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे. अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे कि यहाँ पे गिवन है मैं नंबर ऑफ मैन, और कोई एक वर्क है और उसको कितने दिन पूरा करने में लग रहा है, नंबर ऑफ डे इज रिक्वायर्ड टू फिनिश दैट वर्क विच इज रिप्रेजेंट बाय बी, एंड द नंबर ऑफ मैन विच इज रिप्रेजेंट बाय ए. सो जब नंबर ऑफ मैन टू होते हैं तब कितने दिन लग रहे हैं उस वर्क को कंप्लीट होने में, 12. जब नंबर ऑफ मैन कितने होते हैं, 4, तब उस वर्क को फिनिश होने में कितना टाइम लग रहा है, 6 डेज. एंड एज इट इज 6 मैन हो रहे हैं तब 4 डेज, एंड 12 मैन में 2 डेज, और अगर 24 मैन हो तो कितने डेज लगेंगे, 1 डे. सो किसी एक क्वांटिटी की, यानी कि नंबर ऑफ मैन जैसे इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ मैन अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो जो डेज है उनके वर्क को पूरा करने में वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं. और अभी हमने बाय डेफिनेशन देखा, क्या देखा, इनवर्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशन में, कि किसी एक क्वांटिटी में इंक्रीज होने से किसी दूसरी क्वांटिटी में क्या हो, डिक्रीज हो, तब हम उन दो क्वांटिटीज को क्या बोलेंगे, दे आर वेरी इनडायरेक्टली, और वी कैन से दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ओके. सो यहां पे जो हमें नोट करना है वो है, जैसे कि डायरेक्ट वेरिएशन में हमने क्या देखा था कि उनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज का रेशियो होता है वो सेम होता है, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज का रेशियो जो होता है वो सेम होता है, और इनवर्स प्रोपोर्शन में इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू का प्रोडक्ट हमेशा सेम होता है. क्या सेम होता है, प्रोडक्ट. मींस 2 मल्टीप्लाई 12, ये भी आपको क्या मिलेगा, 24. 4 मल्टीप्लाई 6, ये भी आपको क्या मिलेगा, 24. सिमिलरली 6 मल्टीप्लाई 4, दिस इज ऑल्सो 24, एंड 12 मल्टीप्लाई 2 विच इज इक्वल टू 24, एंड 24 मल्टीप्लाई 1 विच इज इक्वल टू 24, ओके. डायरेक्ट वेरिएशन में क्या था कि इनका जो रेशियो था, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज का जो रेशियो था वो हमें क्या मिलता था, सेम मिलता था. इनवर्स प्रपोर्शन में हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई टू क्वांटिटीज इनवर्स प्रपोर्शन में है तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, सेम होगा. इज इट क्लियर. तो हम इसको एक जनरल फॉर्म में लिख देते हैं,
कि सपोज इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमने ले ली A1, A2, A3 एंड सो ऑन, और B की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमने ले ली B1, B2, B3 एंड सो ऑन। अब हमें पता है कि इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा, से A1 मल्टीप्लाई B1 इज इक्वल टू K, K इज समथिंग कांस्टेंट, आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू मिली। हम एक जनरल फॉर्म कर रहे हैं, एक एग्जांपल से हमने देख लिया कि इन दोनों का प्रोडक्ट करने से हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, हमने सपोज कर ली कि एनी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है दैट इज K। सिमिलरली A2 मल्टीप्लाई B2 में करूंगा तब भी मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो कॉन्स्टेंट ही मिलेगी, और बाय 1 और 2 में क्या कह सकता हूं, इसको मैंने नाम दे दिया 1 एंड सेकंड वाले को नाम दे दिया मैंने 2, इन दोनों की वैल्यूज क्या होगी, सेम होगी, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। मीन्स आपको क्या मिलेगा, A1 मल्टीप्लाई B1 इज इक्वल टू A2 मल्टीप्लाई B2। ये हो गया आपका जनरल फॉर्म कि कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज का प्रोडक्ट नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज के प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी रेशियो में भी लिख सकते हैं, यहां पे आप A2 क्रॉस में ले लो तो ये हो जाएगा A1 एंड बाय A2 एंड दिस इज B2 बाय B1। A1 बाय A2 है, इसे हम रेशियो में लिख देते हैं, A1 इज टू A2 इज इक्वल टू B2 इज टू B1। और हमें पता है कि अगर कोई दो रेशियो इक्वल होते हैं तो हम उसे किस में लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। सो A1 इज टू A2 प्रोपोर्शन B2 इज टू B1, ये आपको पता होना चाहिए, फॉर डॉट रिप्रेजेंट फॉर प्रोपोर्शन सिंबल। सो दिस इज आर रिजल्ट, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये रिजल्ट का हम यूज हम आने वाले एग्जांपल्स में जो हम एक्सरसाइज के करेंगे उसमें हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे। इज इट क्लियर? तो हमें ये देखना है कि अगर क्वांटिटीज इनवर्स प्रपोर्शन में है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज का प्रोडक्ट, डायरेक्ट रिलेशन में हमने क्या देखा था, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज का रेशियो सेम होता है, इनवर्स प्रपोर्शन में हमने क्या देखा कि कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज का प्रोडक्ट क्या होता है, सेम होता है। इज इट क्लियर? नाउ अब हम डायरेक्ट इनवर्स को एक और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, देयर आर 3 एग्जाम्पल्स। सो फर्स्ट वन इज, हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स ए एंड बी वेरी इनवर्सली। सो अभी हमने देखा कि इफ ए एंड बी वेरी इनवर्सली, इट मीन्स दे आर ए इनवर्स प्रपोर्शन, देन द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B means AB का प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, कॉन्स्टेंट मिलेगा, means सेम मिलेगा। तो हम इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज का क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, और अगर हमें वो सेम मिलता है तो हम क्या बोलेंगे कि वो दो जो क्वांटिटीज हैं वो किसमें है, वेरी डायरेक्टली इनडायरेक्टली है या इनडायरेक्ट प्रपोर्शन में। सो हम फर्स्ट वाला देखते हैं, आपको ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पता है, हम पहले क्या निकालेंगे, ए इंटू बी मीन्स ए बी का प्रोडक्ट, दैट इज 8 मल्टीप्लाई 32 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 256। सिमिलरली 16 मल्टीप्लाई 16 मीन 16 स्क्वायर एंड 16 स्क्वायर इज 256। सिमिलरली 32 मल्टीप्लाई 8 आप करेंगे या 8 मल्टीप्लाई 32 विल गेट 256। एंड लास्ट वन इज 256 मल्टीप्लाई 1 विच यू विल गेट 256।
256. तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज का प्रोडक्ट है वो हमें क्या मिल रहा है, कॉन्स्टेंट मिल रहा है, सेम मिल रहा है सब केस में. सो हम क्या बोलेंगे, ए एंड बी आर इन वेरी डायरेक्टली और इन इनडायरेक्ट प्रपोर्शन. ए एंड बी आर इन इनडायरेक्ट प्रपोर्शन. सेम हम दूसरे के लिए देखते हैं. फॉर सेकेंड वन इज हमें करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पता है 9 and 8. हम क्या निकालेंगे, उसका प्रोडक्ट. 9 multiply 8, 9 8 is 72. Then next one is 18 multiply 4, 18 4 is again 72. Then 2 multiply 30, 2 multiply 30 is 60. And 12 multiply 6 is 72. तो क्या सबके प्रोडक्ट सेम है? नो, दिस वन इज नॉट. सो हम क्या बोलेंगे, ए एंड बी आर नॉट इन इनवर्स प्रपोर्शन. ए और बी जो है वो इनवर्स प्रपोर्शन में नहीं है. क्लियर? क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो थ्रू आउट सेम नहीं है. हमारी कंडीशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, उनका प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए. थर्ड वाला आप खुद से ट्राई करेंगे, फर्स्ट क्या है आपका जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है, दैट इज 2 and 40. सो 2 multiply 40 is equal to 80. नेक्स्ट वन इज 16 multiply 5 again 8. Then 8 multiply 10, 8 multiply 10 is 80. And last one is 4 multiply 20, 4 multiply 20 is again 80. So हमें जो corresponding values का product मिला वो सब case में क्या मिला, same मिला. And our constant of variation is 80. Is it clear? So हमारे यहाँ पे कौन सा इनवर्स प्रपोर्शन में नहीं है, सेकेंड वन इज नॉट इन इनवर्स प्रपोर्शन, एंड फर्स्ट एंड थर्ड वन इज इन इनवर्स प्रपोर्शन. इज इट क्लियर?